पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार बनने के बाद पहले बजट पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां इस बजट को जनता को गुमराह करने वाला बताया, तो वहीं मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि भाजपा ने सिर्फ जनता के साथ धोखा किया है। भाजपा सरकार ने जो युवाओं को रोजगार देने का वादा पिछली सरकार में किया था वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया। डीपी यादव का कहना है कि इस बार लोक लुभावने वादे करके जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम योगी सरकार ने किया है। डीपी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बच्चों को फ्री ड्रेस देने का वादा किया था, उससे भी ये सरकार पूरा नहीं कर पाई। मीडिया से बात करते हुए डीपी यादव ने कहा कि बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर ही योगी सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि योगी सरकार बताए कि आखिर पिछली सरकार में कितने मेडिकल कॉलेज बनवा कर उन्होंने जनता को दिए हैं। ये वायदों की सरकार है और इस बजट की छोड़िए, अभी तो इन्होंने पिछले बजट में जो वायदे किए थे, जो घोषणा किए थे, जो लालच दिए थे, वही पूरा नहीं कर पाए। और इस बजट में जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि ये बजट जनहित विरोधी है, शिक्षा के खिलाफ है और इस बजट में कहीं भी रोजगार पर कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती। ये रोजगार की बात करते हैं, इनसे पूछो इन्होंने कितनी नौकरियां दी पहले ये बता दें। ये सिर्फ घोषणा करते हैं, ये बताएं इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, ये बताएं इन्होंने कितने जनहित की काम किए। ये सिर्फ घोषणा करते हैं, वायदे करते हैं और बजट का पैसा कहाँ जाता है ये भी नहीं बताते। अब इस बार पिछले साल से और ज़्यादा बजट बढ़ा दिया गया, पहले 5.5 लाख करोड़ का था। हमने कहा सुनो, ये घोषणाएं हैं, इस बजट में गरीबों के राशन के लिए, छात्रों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के रोजगार परक साधन के लिए, महिलाओं के उद्योग के लिए कोई व्यवस्था, बच्चों की कॉलेज के ड्रेस के लिए, समाज कल्याण और गरीब जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।